पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से नाखुश स्थानीय लोग व बाबरी मंडी व्यापारी। अलीगढ़ में बीते फरवरी के माह में कोतवाली इलाके के ऊपरकोट पर एनआरसी व सीए के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें एक हत्या के साथ कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुए। एक पक्ष का आरोप है कि अभी तक नामजद आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। हमसे नाराज होकर एक पक्ष के लोगों द्वारा आज बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें उनका कहना था पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है, लिहाजा उचित कार्रवाई की जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान प्रशासन की तरफ से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इन मांगों को लेकर बाजार बंद है, क्या है पूरा मामला? जो टीचर लड़ाई हुई थी बाबरी मंडी में कुछ समय पहले, उसको लेकर ही बाजार को बंद किया गया है, क्योंकि जो हमारे लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिला है और जो हमारी FIR दर्ज हुई है उनमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो बाबरी मंडी के मुजरिम हैं वो अपने आराम से खुले में घूम रहे हैं, हमारी आगे में जाती है और हमारे लोगों के साथ में अत्याचार हुआ और कोई पीड़ित रहे और कोई परेशान रहे, उसके बाद भी दर्द वही जिन्हें हमारे साथ छोड़ दी है, इसीलिए आज हम बाजार बंद किया है। कब तक बाजार बंद रहेगा? बाजार का अभी ऐसा कुछ नहीं पता है हम कब तक बाजार बंद रखेंगे, लेकिन विरोध करने के हमारे तरीके बदल जाएंगे, नए नए तरीके से हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि अब जो कुछ करना है वो हमको खुद करना है, हम अब किसी के ऊपर आश्रित इस समय नहीं है। किस तरह का मामला है बाजार बंद है? देखा 23 फरवरी को अलीगढ़ में सीए के अंगेज जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें बाबरी मंडी में दंगा हुआ, जिसमें दो हिंदुओं की टांगों में गोली लगी थी और 307, 504 के अंतर्गत दो मुकदमे भी दर्ज हुए, तो नामजद अभियुक्तों की प्रशासन द्वारा आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और वो खुले में घूम रहे हैं। प्रशासन की एक तरफा हिंदुओं के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई हुई, जिसको लेकर हम प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे क्या मतलब? मतलब देंगे उनको हिंदुओं के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई के लिए, हमारा शांतिपूर्ण बंद है बिल्कुल, कोई अशांति का वो नहीं है बिल्कुल। कब तक बाजार बंद रहेगा? जब तक देखेंगे कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है बाबरी मंडी में? बाबरी मंडी ये बाबरी मंडी बजरिया मार्केट में कल कुछ दुकानदारों द्वारा जो इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि कुछ दुकानदार स्कूल में जो यहाँ पे घटना है उनकी उसके विरोध उसके गिरफ्तारी को लेकर विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखेंगे। किसी के साथ ये पुलिस और अरेस्ट बल की तैनाती की गई है कि कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती दुकान बंद करने या खोलने पर ना मजबूर करे, पब्लिक की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। लेकिन बाजार तो पूरा बंद है वहाँ? जो बंद के स्वेच्छा से बंद किए हैं उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी को अगर खोलना है तो उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है और कोई खोलेगा तो उसको जबरदस्ती नहीं बंद कराने के लिए कहा गया और इसीलिए सुरक्षा बल तैनात की गई है। स्थानीय जो निवासी हैं वहाँ हाथों में तख्ती लिए हैं कि प्रशासन ने एक तरह की कार्रवाई की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, प्रशासन ने कभी एक तरीके एक तरफा कार्रवाई नहीं की है, दोनों तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई थी और बाकी विवेचना चल रही है और पुलिस और कोर्ट अपने हिसाब से काम करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कभी सर जिस हिसाब से हिंदू लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू लोगों की गिरफ्तारी होगी, मुसलमानों के खिलाफ भी FIR होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि गिरफ्तारियाँ दोनों पक्षों से हुई थी, उस समय भी हुई थी और बाकी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा। कुछ लोगों द्वारा आह्वान किया गया था कि बाजार बंद रखेंगे तो कोई जबरदस्ती बाजार बंद ना करा पाए, इस वजह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किस तरह के बाजार बंद कराने की बात कर रही थी, किस लिए? उनकी मांग है कि जो 3 महीने पहले वो दंगा हुआ था उसमें कुछ लोग अभियुक्त रह गए हैं तो उनकी गिरफ्तारी हुई। सर वहाँ कुछ ये भी सुनने में आया है कि हिंदू मुस्लिम में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है लेकिन दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी नहीं की गई है? नहीं, वो विवेचना की जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारियाँ की गई हैं और आगे भी की जाएंगी। सर सब मामला शांति व्यवस्था में बना हुआ है? जी बिल्कुल शांति।